पल्सर 250। यस, यू हर्ड इट राइट। बजाज अब अपनी 250 कैटेगरी में एक और बाइक ऐड करने वाला है, जो होगी एक पल्सर। और स्ट्रॉन्ग चांसेस है और रूमर्स है कि बजाज अपनी 220F को ही 250F में कन्वर्ट करेगा। बजाज जो है वो काफ़ी फेमस है सरप्राइजेस देने के लिए, जैसे कि पल्सर 125। ये जो बाइक है वो इंडिया में लॉन्च कर दी थी, वो भी एकदम सरप्राइज में। बजाज ने कोई भी अनाउंसमेंट करे बिना है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया था। तो लाइक सेम पल्सर 250 के भी 2021 में लॉन्च होने के रूमर्स है। काफ़ी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से भी यही इन्फॉर्मेशन निकली है कि बजाज अपनी 250 सीरीज़ में अब एक और बाइक लॉन्च करेगा। 220F जो है वो कुछ साल पहले डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, जस्ट लाइक NS200 जो डिसकंटिन्यू हो गई थी और उसकी जगह ली थी AS200 ने। पर पब्लिक डिमांड पर बजाज ने 220F और NS200 को रीलॉन्च किया था, क्योंकि लोगों को 220F और NS200 के लुक्स, स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आए थे। पर अब NS200 के छोटे वर्जन NS160 और पल्सर 220F का टोर डाउन वर्जन द स्मॉलर सिबलिंग 180F भी मार्केट में अवेलेबल है। और क्योंकि NS200 2012 में लॉन्च हुई थी और पल्सर 220F 2007 में, तो 220F के ज़्यादा चांसेस है चेंज होकर 250cc में कन्वर्ट होने के, जिसमें आपको सेमी फेयरिंग की जगह फुल्ली फेड बाइक मिलेगी विद स्मॉलर व्हील बेस, मोनोशॉक सस्पेंशन, न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल जस्ट लाइक डोमिनार 250 विद एडवांस फीचर इन इट, बेटर टायर्स और इंजन सेम ड्यूक 250 का होगा जो डोमिनार 250 में भी यूज़ किया है, विद LED इंडिकेटर्स, USD फोक्स एंड ड्यूअल चैनल ABS भी आपको मिल सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सिर्फ रूमर्स है और कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी बजाज ने अपनी तरफ से कंफर्म नहीं की है, बस ये एक स्ट्रॉन्ग रूमर्स है जिसके 50-50 चांसेस है 2021 में इस बाइक के लॉन्च होने के। बजाज जो है वो अब KTM की स्ट्रेटेजी यूज करेगा, जैसे KTM ड्यूक 200 का डिज़ाइन फुल्ली चेंज करने से पहले KTM ने 2018 के एंड में ड्यूक 125 को लॉन्च कर दिया था, ताकि उनके ओल्ड ड्यूक 390 और ओल्ड ड्यूक 200 का डिज़ाइन वेस्ट ना हो और आगे भी वो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चालू रख सके। और उसके बाद ही 2020 में ड्यूक 200 की स्टाइलिंग ड्यूक 250 और 390 की तरह ही चेंज कर दी गई। सो बजाज भी सेम वे में 220F को रीडिज़ाइन करेगा और 180F जो काफ़ी पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है उसको वैसे ही मेंटेन करेगा, ताकि अगर कोई भी उस स्टाइलिंग को पसंद करता हो तो वो बेशक जाके 180F को ले सके।